एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं केले की खट्टी मीठी चटनी। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे समोसे, कचौड़ी, पूरी, पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसे कांच के एयरटाइट बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। 3 से 4 दिन तक बाहर रख सकते हैं और महीनों तक आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए हम इस चटनी को बनाना शुरू करते हैं। केले की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 5 मीडियम साइज के पके हुए केले, साथ ही साथ मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच इमली का पल्प। इमली को मैंने गर्म पानी में 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था ना, तो अच्छे से फूल गए। इसके बाद हमने पल्प को निकाल लिया था। साथ ही साथ मैंने लिया है 200 ग्राम गुड़। आप चाहे तो इसे चीनी या फिर मिश्री या खजूर से भी बना सकते हैं। साथ ही साथ हमें कुछ मसाले भी चाहिए, तो मसालों में मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर, 2 बड़ा चम्मच किशमिश और 1 बड़ा चम्मच खरबूजे का बीज, 1 छोटा चम्मच हमने काला नमक भी ले लिया है और 1/2 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है कलर के लिए, 2 सूखी हुई लाल मिर्च ले लेंगे। अब चलते हैं हम गैस की ओर। यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके पैन चढ़ाया है, आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे फ़ौरन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है साबुत सौंफ और साथ ही साथ लाल मिर्च। अब सौंफ और लाल मिर्च को थोड़ी देर पकने देंगे, जैसे ही ये भुन जाएंगे तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इमली के पल्प और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी पानी। जिस कटोरी से मैंने इमली का पल्प लिया है उसी से मैं 2 कटोरी पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको चटनी ज़्यादा पतली चाहिए तो आप इसमें 1 कटोरी और पानी ऐड कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पानी को मैंने अच्छे से इमली के पल्प में मिक्स कर दिया है। अब इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सारे सूखे मसाले, जैसे कि नमक। तो सारे मसाले भी हमारे इमली के पल्प में अच्छे से कुक हो जाएंगे। इसी तरह से पहले ही आप इमली के पल्प वाले पानी में डाल दीजिएगा मसाले को, ज़्यादा देर नहीं लगेंगे चटनी बनने में। तो पानी में उबाल आ गया है, साथ साथ हमारे मसाले भी कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगातार चलाते हुए इमली के पल्प को थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया है। अब इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़। मैंने यहाँ पर गुड़ को चाकू से इस तरह से क्रश कर लिया था ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम पानी में। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गुड़ को हम लगातार इस तरह से चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। गैस का फ्लेम अभी हम मीडियम ही रखेंगे। तो जब तक हमारा गुड़ गाढ़ा होता है तब तक हम केले को छील करके इनको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने केले को छील लिया है और इनको हमने गोल गोल साइज में कट कर लिया है। हमें केले को ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना ही ज़्यादा मोटा रखना है, मीडियम साइज में इस तरह से कट करना है। तो सारे केले को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब इनको मैं डाल देती हूँ गुड़ वाले पानी में ताकि ये अच्छे से थोड़ी देर कुक हो जाए। तो सारे केले को मैंने डाल दिया है गुड़ वाले चाशनी में और इनको अब हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि गुड़ थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी ही इनको हम थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने केले के साथ गुड़ को अच्छे से पका लिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि एकदम से गाढ़ा होने लगा है। अभी इनको हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये ठंडे हो जाएंगे तो और भी गाढ़े हो जाएंगे। तो इसी स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी खरबूजे के बीज और किशमिश। अब सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। खरबूजे के बीज और किशमिश को थोड़ी देर और पका लेंगे। करीब 1/2 मिनट तक हमने इनको और पका लिया है। अब आप देख सकते हैं कि चटनी की कंसिस्टेंसी एकदम से गाढ़ी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चटनी को थोड़ा देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो चटनी जैसे ही ठंडा हो गया है तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। मैंने इसे कांच के बर्तन में निकाला है और इनको हम इस तरह से कवर करके महीनों तक स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे। जब मन करे तब आप इसे निकाल करके खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसे आप बच्चे लोग को भी दे सकते हैं क्योंकि ये गुड़ वाले चटनी है, बहुत ही फायदेमंद है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल है उसे आप ऑल में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।